क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो सोचने का जो नजरिया गलत दिशा में जा रहा है, आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं या आपकी सोच गलत है, आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आपकी सब भ्रांतियों को हम मिटाते हैं। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम बनाया है। और क्योंकि इसके केंद्र में आत्मा है, और जहाँ केंद्र में आत्मा होती है सब चीज़ प्रमाणिक होती है, और व्यक्ति जो बहुत व्यवस्थित हो जाता है, व्यक्ति लोगों के नकारात्मक सोच को दूर करने के लिए ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर इससे कनेक्टेड एपिसोड है कि मोह कर्म का वट वृक्ष। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्म किसे कहते हैं। कर्म जो है एक परमाणु कर्म रज है, जो कि पौद्गलिक है, जो कि जड़ है, जो कि मैटर है, और पूरे कॉस्मॉस के अंदर अवेलेबल है। लेकिन हमारी कॉस्मॉस के अंदर दो तरह के परमाणु या पुद्गल होते हैं, एक तो चतुस्पर्शी होते हैं और एक अष्ट स्पर्शी होते हैं। जो अष्ट स्पर्शी होता है उसके 8 स्पर्श होते हैं, और वह दिखाई देता है किसी भी वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं। और उन्हीं अष्ट स्पर्शी से ये संसार के जड़ पदार्थ बने हैं, घर बना है, मकान बनी है, सड़कें बनी हैं, ट्रेन बनी है, और जितनी भी चीज़ें हम आँख खोल करके देखते हैं वो सारे जड़ पदार्थ जो है वो इन पौद्गलिक अष्ट स्पर्शी पुद्गलों से बने हैं। लेकिन जो हम कर्म की बात कर रहे हैं, ये कर्म है चतुस्पर्शी जो है पुद्गल होते हैं, परमाणु होते हैं, मैटर होते हैं, जड़ होता है, और ये भी इस कॉस्मॉस के अंदर अवेलेबल है। अष्ट स्पर्शी और चतुस्पर्शी में फर्क क्या है कि चतुस्पर्शी जो होता है वो मासलेस पार्टिकल होता है। विज्ञान की भाषा में वह विज्ञान की किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट से वो दिखाई नहीं देता है, इतना सूक्ष्म है, और उसको कौन देख सकता है जो कि अवधि ज्ञानी है। वो आत्मा का बिना मतलब अब जो प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वही देख सकता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो आत्मा के ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान, इन तीनों को ज्ञान रखने वाला जो है उन चतुस्पर्शी पुद्गलों को देख सकता है, यानी व्यक्ति पर लगे हुए कर्मों को देख सकता है। तो ये तो सारा जो है कर्म की रचना हुई। अब हम कर्म जो है बंधता कैसे है कि हम जब मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, मन के द्वारा चिंतन करते हैं, भूतकाल की जो है हम जो है स्मृति करते हैं, वर्तमान काल का चिंतन करते हैं, भविष्य काल की कल्पना करते हैं, और वचन के द्वारा हम बोलते हैं, काया के द्वारा हम सब तरह की प्रवृत्ति करते हैं, इन सब प्रवृत्तियों के मन वचन कायों की प्रवृत्तियों करने से ये चतुस्पर्शी कर्म पुद्गल जो है इस कॉस्मॉस से हमारे भीतर में आ जाते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं उसको भीतर की ओर खींच लेती है, और भीतर के अंदर हमारे कर्म शरीर का पूरा वेयर हाउस है, पूरा स्टोर है, जिसको कि हम कार्मण शरीर कहते हैं, इसको लिंग शरीर कहा जाता है, कॉजल बॉडी कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, या हमारा अचेतन मन कहा जाता है। वो सारी दबी हुई भावनाएं उनके और राग द्वेष है, वो कषाय है, और क्रोध मान माया लोभ है, तो उनके उस वो वेयर हाउस के साथ के अंदर जो कर्म पुद्गल खींचे जाते हैं, जैसे जैसे भाव किए जाते हैं वैसे वो खींच करके और इस कार्मण शरीर के साथ में आकर के जुड़ जाते हैं। तो ये सारा जो है कर्मों की रचना हुई। और
कर्म जब कोई भी हम प्रवृत्ति करते हैं तो क्या कर्म की चार स्थितियां एक साथ बनती है। वो कौन कौन सी होती है? प्रकृति होती है, स्थिति होता है, प्रदेश होता है, अनुभाग होता है। प्रकृति का अर्थ होता है किस नेचर का कर्म होगा। नेचर मूल आठ कर्म होते हैं जो कि जिसमें से चार जो कर्म होते हैं वो हमारी आत्मा की घात करते हैं, उनको घाती कर्म कहा जाता है। वो है ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म जो आज हमारा विषय है, और अंतराय कर्म। ये आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, आत्मा की घात करते हैं, क्योंकि आत्मा परमानेंट तत्व है। इसीलिए ये हर जीवन के अंदर आत्मा के साथ जुड़ते हैं, और ये चारों ही जो है पापकारी कर्म हैं, और चारों ही आत्मा की घात करते हैं, गला घोंटते हैं आत्मा के ऊपर। ये चार बड़े आवरण हैं, और ये आना आ जाने से आत्मा है सूर्य की तरह प्रकाशित नहीं हो सकती है। अब जो दूसरे चार जो होते हैं अघाती कर्म होते हैं, वो होते हैं वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये हर अलग शरीर के साथ में होते हैं। जैसे कि पास्ट के अंदर मेरा अलग शरीर था, पता नहीं नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, किसका शरीर था वो हमको पता नहीं है। तो वो कर्म जो है उस तरीके के शरीर की रचना के अनुसार ये अलग होते हैं, क्योंकि पशु की वेदना अलग होती है, आदमी की वेदना अलग होती है, उसका गोत्र अलग होता है, अपना गोत्र अलग होता है मनुष्य का। तो इस तरीके से हर शरीर के साथ में जुड़े हुए जो है ये पुण्य और पाप, ये जो है शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। अघाती कर्म तो केवल जो है पाप के कर्म होते हैं, और ये शुभ और अशुभ दोनों होते हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। तो इन सब की मैं गहराई में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम गहराई में जाएंगे तो सारा समय जो इन कर्मों के ऊपर ही चला जाएगा। हमें तो मोहनीय कर्म की आज बात करनी है। फिर भी संक्षेप में हम बता देते हैं कि जो ज्ञानावरणीय कर्म है वह हमारी आत्मा के ऊपर ज्ञान का आवरण डाल देता है, और इसको आंख पर बंधी हुई पट्टी की तरह रूपक में कहा जाता है कि आंख पे पट्टी बन जाती, हमको दिखाई नहीं देता है। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म का लेप जब आत्मा पर आ जाता है तो उसको ज्ञान नहीं होता है, उसको स्मृति नहीं रहती है, व्यक्ति भूल जाता है, और भीतर जो है वो नए नए उन्मेष, नए नए ज्ञान, नई नई चीजें, जिज्ञासाएं पैदा नहीं होती है। और दर्शनावरणीय कर्म है वह जो है वो हमारी प्रभु के, वो मंदिर के ऊपर एक जो है वो पर्दे के समान है। मंदिर के ऊपर जब पर्दा लग जाता है तब वो क्या है कि पुजारी पर्दा डाल देता है, तो भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। यानी कि ये जो हमारा दर्शनावरणीय कर्म है, ये श्रद्धा, भीतर बैठा जो प्रभु है उस पर जो है श्रद्धा नहीं करने देता है, और साथ साथ में दर्शनावरणीय कर्म से नींद आती है, गहरी नींद आती है। नींद भी जो है नौ तरह की होती है, तो हम उसकी गहराई में जाएंगे। ये नींद लाने वाला है और अश्रद्धा करने वाला जो है पर्दा है। और तीसरा जो है जिस हम तत्व की बात कर रहे हैं, जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं मोहनीय कर्म की, वह जो है एक शराबी की तरह होता है। शराबी होता है वो बेभान हो जाता है शराब पीने के बाद में। उसके सामने अगर उसकी बेटी है, माँ है, पत्नी है, उसको कुछ भी भान नहीं रहता है। वो अनर्गल बोलता रहता है, वो नाली में जाके गिर जाता है, सुगंध दुर्गंध का उसको पता नहीं रहता, सड़क पर गिर जाता है तो लोग उसके जो है बहुमूल्य चीज़ है अगर मान लो शरीर, मान लो जेब के अंदर, तो निकाल ले जाते। इस तरह से वो बेभान हो जाता है। तो मोहनीय कर्म जब उदय में आता है तो ये मोहनीय कर्म का पर्दा डला हुआ है आत्मा के ऊपर, ये उदय में आता है तो हमको सेंसुअल प्लेजर्स होती है, हमको इंद्रियों का सुख, मैं और मेरा का जो संसार है उसमें हम लुप्त रहते हैं। और ये तो हमारे अघाती कर्म हो गए, और तीसरा और चौथा जो है वो अंतराय कर्म है। ये अंतराय कर्म जो इन तीन कर्मों के टूटने से अंतराय टूटती है। अंतराय का मतलब अवरोध। जब हम किसी को ज्ञान में अवरोध डालते हैं, दर्शन में अवरोध डालते हैं, और मोहनीय कर्म का जो अवरोध होता है, इन सब के टूटने के बाद अंतराय टूटती है। और अंतराय भी पांच तरह की होती है, हमारा जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य की होती है, कि इसमें हम जो ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं किसी के लिए। एक ये कैशियर और भंडारी की तरह होता है कि पैसा जो कैश में पड़ा है और चेक हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन कैशियर उपलब्ध नहीं है, वो ऑब्स्टेकल हो गया तो हमको पैसा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारे जो चार घाती कर्म की
व्याख्या हुई। और अघाती कर्म के अंदर वेदनीय कर्म जो होता है, वेदनीय कर्म जो है मिट्टी छुरी के समान होता है, अगर शहद लगी हुई छुरी के समान होता है, वो छुरी जीभ पर रखते हैं तो शहद के कारण मीठी मीठी लगती है, तो हमारा साता वेदनीय है, और जरा सा उसको हमने तेज चला दिया धार के माध्यम से तो जीभ कटने का डर रहता है, तो ये हमारा साता वेदनीय हो गया। तो इस तरीके से हम जो है वेदनीय अवेदनीय को भुगतते हैं। और दूसरा होता है आयुष्य कर्म होता है, आयुष्य कर्म है वो हमारे मतलब हमारा जीवन कितने वर्ष का है उसके अनुरूप जो है हमारा ये सब हम करते हैं कि आयुष्य कितने वर्ष तक जिएगा व्यक्ति। और आयुष्य के साथ के साथ में जो है हमारा नाम कर्म होता है, और ये नाम कर्म की बहुत 103 प्रकृतियां होती है और शुभ और अशुभ दोनों तरह का होता है, चारों तरह के अघाती कर्म जो शुभ अशुभ दोनों होते हैं, और नाम कर्म का खाता बहुत बड़ा है। ये चित्रकार की तरह है कि चित्रकार जो है कैसे कैसे भी चित्र बना सकता है, कोई भी रंग भर सकता है, तो ये नाम कर्म है हमारे जीवन में शुभ और अशुभ अलग अलग तरह के रंग भरता है। और जो आठवां कर्म होता है वो गोत्र कर्म होता है, वो कुंभकार के समान होता है कि जैसे कुंभकार होता है जो घड़ा बनाता है, घड़े का सुराई का आकार दे सकता है, गोल दे सकता है, चपटा दे सकता है, सब कुछ की उसके हाथ में है, तो ये हमारा गोत्र कर्म जो है वो अगर हमें अच्छा शुभ गोत्र होता है तो हमें जो है वो अच्छा अच्छा घर परिवार मिलता है, अशुभ गोत्र होता है तो हम गरीब के जन्म के घर जन्म लेते हैं और वहां पर कष्ट भुगतते हैं। और ये जो हमारा जो गोत्र है ये कर्म बंधने का कारण होता है कि हम अहंकार करते हैं, 8 तरह के हम अहंकार होते हैं, जाति, कुल, ऐश्वर्य, और दूसरा धन, संपत्ति, ज्ञान, और इस तरीके से 8 तरह के हम मद करते हैं, तो उन मद के कारण ये कर्म बनता है। नहीं करते हैं मद और हम जो उसको सादगी के रूप में लेते हैं तो हमारे ये जो है शुभ अशुभ जो है गोत्र कर्म नहीं बनता। तो भाई और बहनों इन 8 कर्मों में से अभी आज जो हमारा विषय है कि मोहनीय कर्म का वटवृक्ष, मोहनीय कर्म को जो है एक राजा का राजा का सेनापति कहा गया है कि जब सेनापति जो है किसी कोई भी जो सेना लड़ रही है और सेनापति सक्रिय और एक्टिव हो और वह भी लड़ता है तो सेना को बड़ा मनोबल होता है, और सेनापति को जब पकड़ लिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है, जीत लिया जाता है तो वह सेना अपने आप भगदड़ करके और चली जाती है क्योंकि उसका मनोबल टूट जाता है। तो उसी तरीके से हमारा मोहनीय कर्म है ये सातों कर्मों को बांधे रखता है क्योंकि ये जो डोमिनेटिंग है और इसको सबसे पहले समाप्त किया जाता है क्योंकि सबकी जड़ यही है। तो इस मोहनीय कर्म जो है वो इसको मोहनीय कर्म को जो है जो राजा कहने कारण और इसको सबसे पहले जीता जाता है और इसका वृक्ष जो है बहुत बड़ा है, इसीलिए आज का हमारा विषय है मोहनीय कर्म का वटवृक्ष। हमारे जितने भी ज़्यादा बीमारी हमारी जो जितने भी ज़्यादा जो है बुराइयां हैं, क्रोध है, अहंकार है, माया, लोभ है, और 18 तरह के जो है वो हमारे दोष बताए गए हैं, पाप बताए गए हैं हमारी संस्कृति में धार्मिक ग्रंथों के अंदर, प्राणातिपाप, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परिवाद, रति अर्ति, माया, मर्षा और मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, ये 18 तरह के नकारात्मक भाव है, ये सभी मोहनीय कर्म का जो है संसार है। तो जैसे कि एक वटवृक्ष होता है उसका बीज जो होता है बहुत छोटा होता है, उसी तरीके से ये मोहनीय कर्म जो पैदा होता है तो बहुत ही छोटे बीज के रूप में होता है, लेकिन उसके साथ में जब ये बरगद का रूप ले लेता है, उसकी बहुत टहनियाँ हो जाती है, पत्ते हो जाते हैं, और इसका कहने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन की सारी बुराइयाँ हैं वो इस वटवृक्ष के ऊपर आ जाती है क्योंकि ये मोहनीय कर्म जो है बुराइयों का पुंज होता है, इसलिए आती है। मोहनीय कर्म की खुद की जो है वो 28 प्रकृतियां हैं, तो उसका हम चिंतन करेंगे कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 जो बड़े दुश्मन हैं जो कि मोहनीय कर्म के कहना चाहिए बड़े घटक हैं, 4 तो ये हो गए, और 4 जो है दूसरी अवस्थाएं होती है हमारी आत्मा की, वो होता है हमारा अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन। ये कैसे होता है कि जो हमारा जो सबसे पहला जो हमने बताया कि जो है वो अनंतानुबंधी,
अनंत अनुमंदी जो मोह होता है वो पत्थर होता है, पत्थर को टुकड़े करना, पत्थर के ऊपर रेखा बनाना कितना कठिन होता है, कठोर होता है। उसी तरह से ये अनंत अनुबंधी जब क्रोध मान माया लोभ आते हैं तो व्यक्ति लंबे समय तक क्रोधी रहता है, लंबे समय तक अहंकार करता है, गहरा अहंकार करता है और वो घमंडी होता है, गहरी माया करता है, गहरा लोभ करता है। मतलब जितना गहरापन है और जितनी तीव्रता है वह जो है वो हमारी अनंतानुमंदी में होती है। और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन होता है अप्रत्याख्यानी। जो अप्रत्याख्यानी जो होता है वह जो एक लकड़ी के ऊपर जो हम कोई अगर रेखा खींचते हैं या उसको गहराई से टुकड़ा करना चाहते हैं, उसके अंदर जो है हम उसको भेदना चाहते हैं तो वह भी कठोर होती है। तो ये उसकी जो हमारा क्रोध मान माया लोभ है वो लकड़ी के अंदर जो है रेखा खींचने के समान होती है। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यानी होता है बहुत कोमल होता है, किसी भी कोमल चीज़ के अंदर, फ्रूट के अंदर या कोमल चीज़ के अंदर जो है लाइन खींचना बहुत ही सरल होता है, तो वो जो है कहलाता है प्रत्याख्यानी। और चौथा संजलन होता है, वो मतलब पानी के ऊपर रेखा खींचने के समान होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस तरीके पर पानी पर हम रेखा खींचते हैं और वो रेखा तुरंत मिट जाती है, उसी तरीके से संजलन जो क्रोध मान माया लोभ होता है वो क्षणिक आता है और उससे अधिक आता है वो प्रत्याख्यानी आता है, उससे अधिक आता है वो अप्रत्याख्यानी आता है। और सबसे ज़्यादा गहरे क्रोध मान माया लोभ लंबे समय तक चलने वाले होते हैं वो अनंतानुमंदी होते हैं। अनंतानुमंदी क्रोध मान माया लोभ वाले लोग जो है नारकी के अंदर जाते हैं। और उसके बाद के अंदर दूसरा अप्रत्याख्यानी होते हैं वो, दूसरी जो अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी जो होते हैं वो जो है तिर्यंच गति में जाते हैं, और संजलन वाले होते हैं वो मनुष्य गति में आकर के अच्छे देव गति को प्राप्त करते हैं। संजलन है बहुत हल्का है, यानी जिसके क्रोध मान माया बहुत हल्के होते हैं, क्षणिक होते हैं, कि एक बार थोड़ा सा क्रोध अहंकार माया लोभ आया और तुरंत ही वो झड़ जाता है, यानी ये आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। तो इन चार को चार से गुणा करें तो ये हमारे मोहनीय कर्म के 16 प्रकार हो गए। और उसके बाद के अंदर जो 9 कर्म होते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं वो ये हास्य रति अरति माया, हास्य रति अरति, और दूसरा जो है उसके बाद के अंदर घृणा जुगुप्सा और स्त्रीलिंग पुरलिंग नपुंसकलिंग। ये जो 9 तरह के जो हैं ये हमारे 9 कषाय कहलाते हैं, वो भी सपोर्टिंग होते हैं, ये मोहनीय कर्म से थोड़े डाइल्यूट होते हैं लेकिन फिर भी जो है ये प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। और ये भी नेगेटिव थॉट्स है इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं है पर फिर भी जो है ये नेगेटिव थॉट्स तो हैं ही हैं। तो 16 और 9 25 हो गए। और 3 हो गए मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन और मिश्र दर्शन। मिथ्या दर्शन में क्या, आदमी की रॉन्ग बिलीफ होती है, सोच गलत होती है। कैसे होती है कि वह साधु को असाधु समझता है, मुक्त को अमुक्त समझता है, अमुक्त को मुक्त समझता है, और उसके बाद के अंदर वो सजीव को, वो जो है वो सजीव को निर्जीव समझता है, निर्जीव को सजीव समझता है। और तो इस तरीके से जो है ये 10 तरह के 5 जोड़े हैं वो जो है रॉन्ग बिलीफ होती है। तो रॉन्ग बिलीफ को मिथ्या दर्शन कहा जाता है। और मिश्र दर्शन ये होता है, मिश्र मोहनीय ये होता है कि वो ढुलमुल नीति होती है कि आत्मा है और नहीं भी है, कर्म है या नहीं भी है, मतलब ढुलमुल उसकी जो चिंतन होता है, एक स्वीकार्य चिंतन, एक जगह फिक्स नहीं होता है, बदलता रहता है, रजस गुण के हिसाब से वो बदलता रहता है, तो वह उसका मिश्र मोहनीय होता है। तो इस तरीके से 28 प्रकृतियां मोहनीय कर्म की होती है। तो भाइयों और बहनों ये सारा मोहनीय कर्म का वटवृक्ष संक्षिप्त में समझने की ये है कि ये मोहनीय कर्म का बंधन क्यों होता है। मोहनीय कर्म का बंधन इसलिए होता है कि हम किसी भी वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति बहुत आसक्ति रखते हैं और बहुत उसके प्रति अटैचमेंट रखते हैं। सारा जो अटैचमेंट है ये मोहनीय कर्म का था, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, कर्तापन होता है कि मैं किसी का बेटा, मैं किसी का बाप, मैं किसी का पति, और ये कर्तापन और मालिकी भाव होता है, ये घर मेरा है और ये दुकान मेरी है, ये फैक्ट्री मेरी है, मालिकीपन और कर्ता भाव और उसके साथ साथ में आसक्ति,
जितनी जितनी आसक्ति होगी, जैसे पांच इंद्रियों की आसक्ति होगी, स्पर्श, दर्शन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इनकी जो जहाँ जहाँ लगाव होता है और जहाँ जहाँ जुड़ाव होता है, वो सारा मोहनीय कर्म के साथ में होता है। तो इसीलिए मोहनीय कर्म जो है सबका राजा, यानी ये लोभ से जुड़ा हुआ है। जितना जितना हमारा लोभ प्रकट होता है, उतना उतना मोहनीय कर्म हमारा बढ़ता जाता है। इसलिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। जो लोभी व्यक्ति होता है वो आसक्त होता है और वो सबसे ज्यादा मोहनीय कर्म को इकट्ठा करता है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, इसमें से क्रोध मान माया है, उससे जो सबसे ज्यादा पीछे छूटने वाला वो लोभ है, क्योंकि लोभ आसक्ति को लाता है, लोभ एक लगाव है और लोभ के कारण ही सारा मोहनीय कर्म का बंधन होता है। तो लोभ और मोह का जो है पूरा जो है आपस में जोड़ा है। और उसके अलावा हम किसी प्राणियों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उनकी प्रताड़ना करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनकी हत्या करते हैं और उनका हनन करते हैं, उससे भी मोहनीय कर्म का बंधन होता है। तो भाइयों और बहनों, ये सारा मोहनीय कर्म का वटवृक्ष है, ये वटवृक्ष हमें घुमाता है और इसको जीतना जरूरी होता है। हम गुणस्थानों की बात करें तो हमारी आत्मा के विकास के कुल 14 गुणस्थान है, उसमें से मोहनीय कर्म 12वें गुणस्थान में जाके समाप्त होता है। प्रगति करते करते, शुद्धि करते करते और जो आत्मा का जो है वो रूपांतरण होते होते शुद्धिकरण के बाद में 12वें गुणस्थान के अंदर क्षीण मोह हो जाता है और व्यक्ति का जो मोहनीय कर्म जब संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो उसको भानु भास्कर जो यानी जो केवल ज्ञान होने के अंदर कोई समय नहीं लगता है। इसलिए 13वां जो गुणस्थान होता है वह गुणस्थान जो है वो कहलाता है सहयोगी केवली कहलाता है, यानी उसको केवल ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए मोहनीय कर्म एक जो वीतराग अवस्था होती है उसको हम कहते हैं कि इसका जो है वीराग जो है वो समाप्त हो गया, क्योंकि मोहनीय कर्म के जैसा मैंने बताया कि माया और लोभ है, ये राग है, तो राग जो दिखाई नहीं देता है और द्वेष सामने दिखाई देता है। क्रोध और अहंकार तो व्यक्ति की द्विकृति भंगिमा से हमको मालूम पड़ जाता है, लेकिन ये राग जो है ये मीठी छुरी की तरह इसको देखना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई लोभ, कोई माया करता है, चापलूसी करता है, वो दिखाई नहीं देता है, सामने जो है वो उसका हितैषी बनता है। तो ये सारी माया है और लोभ है सारा अटैचमेंट। तो भाई और बहनों, आज इस जो एपिसोड को जो है हम ओपन टू ऑडियंस करते हैं तो और इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता और इसकी सोशल यूटिलिटी और उसके साथ में प्रासंगिकता की जांच करें तो हमें जितनी जितनी बुराइयां हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। जितने जितनी नकारात्मक सोच है वो सारा मोहनीय कर्म है, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच है हमारे जीवन को बिगाड़ देती है। नकारात्मक सोच एक दोष है, नकारात्मक एक सोच जो है वो ये एक पाप की प्रवृत्ति है और उन प्रवृत्तियों से हमको दूर रहना चाहिए। उन प्रवृत्तियों से हम दूर रहेंगे तो हमारे मोहनीय कर्म जो है का बंधन नहीं होगा और मोहनीय कर्म जो है वो राजा और सेनापति है। तो इसको सबसे पहले जीतना चाहिए। मोहनीय कर्म को जीतने के लिए हमें अनाशक्ति लानी पड़ेगी, अकर्ता भाव लाना पड़ेगा, मालिकिन जो है हमारा जो हक है उसको छोड़ना पड़ेगा। अनाशक्ति हम कैसे लाएंगे कि हमें ये चिंतन करना चाहिए कि हमारे भीतर दो तरह के तत्व है, एक तो परमानेंट तत्व है जो कि हमारा ईश्वर है, भगवान है और हमारा प्रभु है, वो हमारी आत्मा है, और दूसरा ये शरीर है ये जड़ तत्व है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हैं, हमको फीडबैक मिल रहा है और हमारे इस पर्दे के पीछे जो है ईमेल आईडी और वेबसाइट और उसके साथ साथ के अंदर ये जो मोबाइल ऐप लिखा हुआ है उसके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा, प्रश्न वगैरह कुछ भी भेज सकते हैं, उसका समाधान आपको मिलेगा और उस जिज्ञासा के अनुरूप ही आपको नए नए एपिसोड तैयार करके हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो भाई और बहनों, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति को सुधारना, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, प्रेममय हो, धर्ममय हो और आप शतायु होकर खूब समाज की सेवा करें। आप आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।